ओके okay, तो अब डिस्कस करते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस पीडीए ठीक है दिस इज द परसिस्टेंट कनेक्शन बिटवीन द एओटा एंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब पल्मोनरी आर्टरी ठीक है ये पलमनरी आर्ट्री हो गई और ये uh, so, हो गई एओटा ठीक है ये ब्लैक कलर का देख रहे थे दिस इज द परसिस्टेंट कनेक्शन बिटवीन द एओटा एंड द इन द पल्मोनरी आर्टरी ठीक है तो यहाँ से क्या होगी शंटिंग हो रही होगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर शंटिंग हो रही होगी ठीक है तो इसकी वजह से क्या होगा इंक्रीज पल्मोनरी फ्लो पलमनरी यहाँ से ब्लड ज्यादा आ गया सो so, पलमनरी वेसल्स ज्यादा जाएंगे लंग्स में तो लंग्स की पर, लंग की परफ्यूजन ज्यादा होगी ठीक है तो परफ्यूजन ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स वहाँ पे क्या होगा मैंने पीछे भी बताया कि वहाँ पे रिकरेंट पलमनरी इफेक्शन होंगे ठीक हो गया ओके तो ये क्या होता है ये मतलब हो रहे हैं क्यों हैं ये पी डी जो हो मतलब कि एसोसिएशन मेनली जो है ना कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम जो रोबैला इन्फेक्शन हो गए उसकी वजह से हो सकते हैं या जो है ना प्री मेचोरिटी प्री मेचोरिटी में क्या होती है वहाँ पर जो है ना क्लोजर नहीं होता तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी ट्रीटमेंट बता दें यहां भी बता देते तो प्रीमेच्योर बच्चे हैं तो उसमें जो है ना ये क्या बी डी पेटेंट है, ठीक है? पेटेंट ठीक है? इसको डक्टस आर्टेर कहते हैं तो इनको पेशेंट्स को क्या करेंगे हम जो है ना प्री इन प्रीमेच्योर पेशेंट्स को हम देंगे इंडोमेथसिन आईवी इन्फ्यूजन देंगे ठीक है इंडोमेथसिन क्या इट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन ई वन ब्लॉकर ठीक है इससे पहले हम जो है ना क्या दे रहे थे बीजी ईन दे रहे थे ताकि पेटेड रहे यहाँ पे ब्लॉक करना है तो हम जो है ना इनिबेटर देंगे दायरे से इंडोमितिन ठीक हो गया ओके okay. तो इसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स तो डायग्राम हो गई ठीक है यहाँ पे रख देता हूँ और दोबारा देखनी हुआ आपने अच्छा तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी सॉरी द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रॉफी जो कि हमें जो है ना ई में एंड सॉरी हाँ ई सी में नजर आ जाएगी ठीक है सॉरी सॉरी ई सी में नहीं एको में ठीक है एंड इट uh, जब हम जो है ना इनको ऑस्कटेट uh, करेंगे तो इनमें जो है ना मशीन लाइक मार मारा हो जाएगा ठीक है ओके तो इन्वेस्टिगेशन क्या होंगी जो हम जो है ना यहाँ पे चेस्ट एक्सरे करेंगे तो वहां पे क्या होगा हमें जो है ना इंक्रीज पर्मनरी फ्लो नज़र आ रहा होगा मतलब कि वस्कुलेचर वहां के ज़रा ज़रा जो है ना इंकोस्ट होंगे ठीक है और इसके अलावा जो है ना हम इसी में इसी से जो है ना यहाँ पे जो है ना फाइंडिंग्स कर सकते हैं ये मशीन लाइक मरमर हो गए जो कि जो है ना इसकी स्पेसिफिक हो गया और इसके अलावा एको करेंगे जिसपे दोनों समझ आ जाएंगे ठीक है ओके तो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हैं और, और ये से बता दो कि पीडीए जो है ना इट इज अ एसायनोटिक हार्ट डिजीज ठीक हो गया एसाइनोटिक क्योंकि यहाँ पे जो ना, थी, है ना साइनोसिस नहीं होती ठीक है इससे पहले हमने जो है वी एस डिस्कस किया था ना वी क्या है इट इज ऑल्सो साइनोटिक हार्ट डिजीज ठीक है लेकिन वहाँ पे मैंने साइनोटिक इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है जब अन होगा तो आइजर मैगो फिनोमिन पे चला जाएगा आइजर मैंगर फिन पे चला गया जिसमें मतलब वीजीडी में क्या है? में to, uh, right होता है वी में जो है ना लेफ्ट टू राइट शेंट होता है ठीक है और आइजर मैंगर फिन में क्या राइट टू लेफ्ट शह तो यहां पर जो है साइनोसिस होती है तो वी स्टार्ट में एसाइनोटिक होता है लेकिन बाद में जो है जब आइजर फिर अब आ जाता है ना तो वो जो है ना फिर <coughs> वो जो है ना फिर साइनोटिक हार्ट डिजीज बन जाता है ठीक है ओके तो इसके अब कॉम्प्लीकेशन की तरफ आते हैं इसकी वजह से क्या हो जाएगा इनमें हार्ट फेलियर हो जाएगा रिकरेंट इफेक्शन मैंने बता दिया फ्लो ज्यादा हो गया था ठीक है पलमनरी फ्लो ज्यादा हो गया ठीक हो गया उसकी वजह से और उसके अलावा जो है क्या इन्फेक्टिव इंडोकार्डाटिस जो भी जो हार्ट डिजीजे होंगे ब्लड फ्लो की वजह से इन्फेक्टिव इंडोकारडाइस होते हैं ठीक है इंडोकॉर्डियम में इन्फेक्शन हो गया हार्ट की जो वॉल है ठीक हो गया हम ओके इसकी ट्रीटमेंट क्या मैंने जो इंडोमैथेसिन इंडो बता दिया है एंड इसके अलावा जो है ना हम सर्जिकल क्लोजर करते हैं इफ uh, अगर जो है ना इस पर भी अगर काम नहीं कर रहा होगा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द पीडीए